बच्चों आज हम सिंपलीफिकेशन को इतने सिंपल वे से करने वाले हैं कि आप भी बोलोगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन और इसका आंसर सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आपका आने वाला है। और जहां तक देखा गया है कि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला जाता है और हमें शॉर्टकट ट्रिक ना पता होने की वजह से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसमें 5 से 10 से 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं और उनका आंसर मैच नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपके 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आप एक क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और कहां तक है, देखो ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये अनंत तक है, ठीक है, इसका कहीं पे एंड नहीं है। अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाएगा, इस तरह का सवाल आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली डिजिट देखनी है कि ये नंबर कौन सा है, ये नंबर क्या है 6, इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 into 2 बना। अब आपने देखना है अगर प्लस वाला है, देखो हर जगह प्लस है, अगर प्लस वाला है तो इन दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स इसका। और इसी तरह सेम क्वेश्चन मैंने नेगेटिव में लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, अगर यहाँ प्लस है या माइनस है इसके फैक्टर तो वही बनेंगे 3 into 2, लेकिन अब इसका आंसर कौन सा आएगा 2। माइनस वाले में छोटा फैक्टर आंसर होता है और प्लस वाले में बड़ा फैक्टर क्या होता है आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो अगला सवाल है आपके पास, पिछले क्वेश्चन में क्या था, फैक्टर बन गए थे हमारे पास 6 था, आपने 3 into 2 कर लिया। कई बार क्या आता है क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके आप फैक्टर ही नहीं बना सकते, ये 11 है, 11 के कोई फैक्टर नहीं बनते, तो इसमें एक अलग ट्रिक है, इसमें क्या फॉर्मूला है आपका, आपने क्या लगाना है, अंडर रूट 4x + 1 + 1/2, ये देखो ठीक है, अंडर रूट 4x + 1 + 1/2, ये आपका क्या है शॉर्टकट ट्रिक है। जब आपका यहाँ पे क्या होगा प्लस, जब आपका यहाँ पे माइनस होगा तब आपके ये ट्रिक में क्या आ जाएगी, सेम होगा लेकिन इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। जैसे ये किसके लिए है, ये है प्लस वाले के लिए, और अगर मैं माइनस वाले के लिए बोलूं तो माइनस वाले के लिए कौन सा है, माइनस वाले के लिए है अंडर रूट 4x + 1 - 1/2। देखो ये सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की जगह पे क्या पुट करोगे 11, x की जगह पे 11 आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन, 4 देखो 4 into x 4 आएगा, 4 इंटू एक्स कितना है 11, 4 इंटू 11 कितना होता है 44 प्लस 1 अपॉन 2, देखो क्या बना ये 45, ये आ गया आपका 45 और ये आ गया प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 45 root 45 plus 1 upon 2, और इस वाले का आंसर कितना आएगा सेम लेकिन बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 45 - 1 upon 2। अब अगर आपको वहां पे इससे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने को कहा तो आपने रूट 45 को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो अगली कैटेगरी क्या है, अब वो देखो पहले आपने प्लस में किया था जिसके फैक्टर बनते हैं, दूसरा किया था जिसके फैक्टर नहीं बनते, अब हमने क्या किया देखो ये चीज मल्टीप्लाई में है, हमने प्लस डिस्कस कर लिया माइनस डिस्कस कर लिया, अब आएगा हमारा मल्टीप्लाई, ये देखो 6 अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई कहां तक जा रहा है ये इंफिनिटी तक, अनंत तक जा रहा है। तो हमने क्या करना है, अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसका क्या आंसर होगा, कुछ नहीं करना आपने, जो रूट के अंदर है वही उसको क्या लिख देना है आंसर, कुछ नहीं करना आपने इसमें सॉल्व, जो आपके रूट के अंदर चल रहा है वो आपका आंसर होगा, चाहे यहाँ पे 7 7 7 7 होता तो 7 आंसर आता, अगर 8 8 8 8 होता इंफिनिटी तक तो 8 आंसर आता, जो आपका यहाँ पे नंबर है वही आपका क्या आएगा इसमें आंसर आएगा।